नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बीनियर पर नेचुरल और ब्राउन कलर की हाई ग्लॉस फिनिश पॉलिश कैसे की जाती है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी मैं आपको छोटे से पीस पे करके दिखा रहा हूँ बाकी आप किसी भी चीज़ के ऊपर इस तरीके से पॉलिश कर सकते हैं ब्राउन और नेचुरल अगर आपको नेचुरल करना है तो नेचुरल कर सकते हैं अगर आपको ब्राउन करना है तो ब्राउन कर सकते हैं सारी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले इस बीनियर के हमें सेंडिंग करनी है सेंडिंग करने के लिए हम इसमें डेढ़ सौ नंबर या फिर दो सौ बीस नंबर का रेखमल लगाएंगे और पूरी बीनियर के ऊपर हमें अच्छी तरह रेखमल लगाना है अगर पेंसिल वगैरह के निशान है तो वह हमें पहले ही मिटाने हैं सारे और अगर फेविकोल वगैरह लगा है तो वह भी हमें पहले ही साफ़ करना है और कीले भी लगी होती हैं इसमें अगर कीले ऊपर हैं तो आपको पहले कीले भी अंदर करनी पड़ेगी बाकी सारा सारी सफाई इसकी करनी है कहीं पर फेविकोल नहीं होना चाहिए और पेंसिल वगैरह के दाग भी नहीं होने चाहिए इसके ऊपर और उसके बाद में इस पर मारना है हमें लाख दाना पॉलिस ये देखिए ये हमारी लाख दाना पॉलिस इसको हमने बना के रखी है पहले से यूज़ करने से पहले इसको धूप में रखना पड़ता है जब यह गर्म हो जाती है तभी इसका प्रयोग करते हैं इसको हमने स्प्रेड इस में बनाया हुआ है एक लीटर स्प्रेड में डेढ़ दो सौ ग्राम तक लाख दाना मिक्स होता है क्वालिटी के हिसाब से कम ज़्यादा भी हो सकता है अभी इस पर मारना है हमें लाख दाना पॉलिस का एक दो हाथ इस तरीके से अप्लाई करना है इस पर ये देखिए अब इसकी ओरिजिनल लुक पता चल रही है जो अभी आपको दिख रहा है या इसकी ओरिजिनल लुक होगी अगर आप इस पर कलर नहीं करेंगे तो इसी तरह की फिनिशिंग मिलेगी आपको पॉलिश लगने के बाद में ही आपको ओरिजिनल लुक दिखाई देती है और उसके बाद में इस पर करना है हमें पाउडर देखिए एक हमने रा सैना लिया है और एक ब्राउन सेना लिया है एक पे हम नेचुरल करेंगे और एक पे करेंगे ब्राउन तो हमने दो सेना लिए हैं एक पे हम ब्राउन करेंगे और एक पे नेचुरल करेंगे इसलिए हम राना और ब्राउन वाले पे ब्राउन सेना इसको हमें पानी से घोलना होता है ये देखिए मैंने थोड़ा सा लिया है और कपड़े को पानी से गीला कर दिया है और इस तरीके से इसके ऊपर हमें लगाना है अगर आप पाउडर को नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसको छोड़ सकते हैं इसकी जगह पे आप वुड स्टेन का भी प्रयोग कर सकते हैं और जो होल वगैरह होते हैं उसकी रिपेयर हम बाद में करेंगे सीलर लगने के बाद में दूसरा है ब्राउन ये देखिए ब्राउन इससे कलर भी चढ़ जाएगा और इसकी नस भी भर जाएगी थोड़ी बहुत ये देखिए इस तरीके से इस पर हमें पाउडर अप्लाई करना है और उसके बाद में इसको सूखने के लिए छोड़ देना है थोड़ी देर पंद्रह बीस मिनट में यह सूख जाएगा प्रॉपर और उसके बाद में हम इसकी सेंटिंग करेंगे दोस्तों ये है हमारी ई बुक यह लगभग बीस पेज की ई बुक है इसमें आपको सभी प्रकार के पेंट और पॉलिश की डिटेल मिल जाएगी मटेरियल के साथ में स्टेप बाय स्टेप इसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाता है अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं खरीदने के लिए आप किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ पर लिंक दिया होता है पॉलिस पेंट करना सीखे लिंक पर क्लिक करेंगे सीधा बुक पे पहुँच जाएंगे उसके बाद में आपको ब्यूनो पर क्लिक करना है फिर अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम ई मेल फोन नंबर भर के पे एंड रिव्यू पर क्लिक कर देना है और इस बुक को डाउनलोड कर लेना है सूखने के बाद में इसकी सेंडिंग करेंगे हम 220 नंबर रेगमाल से और अच्छी तरह दबा के इसके ऊपर हम रेगमाल लगा देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पुट्टी लगी हो वो सारी निकल जाए ये देखिए इस तरीके से दबा के मारना है हमें और उसके बाद में इसको कपड़े से साफ कर देना है अच्छी तरह से पाउडर नहीं रहना चाहिए इसके ऊपर ये बिल बिल्कुल सिंपल सा तरीका है पॉलिश करने का इस तरीके से पॉलिश कोई भी कर सकता है देखिए दोनों हमने साफ कर लिए हैं अभी हम मारेंगे लाखदाना पॉलिश जो हमने पहले मारी थी वही इसके ऊपर एक दो हाथ लाखदाना पॉलिस के अप्लाई करेंगे देखिए इसका कलर में कोई भी डिफरेंट नहीं हुआ है नेचुरल वाली में बाकी जो ब्राउन हमने किया था उसमें ब्राउन लुक हो गई है ये देखिए इस तरह का कलर हो गया है इसका अभी इसको हम और भी थोड़ा सा डार्क करेंगे सेना पाउडर से ही करेंगे बाकी आप चाहें तो वॉलनट वुड स्टेन का प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको ब्राउन टोन चाहिए तो उसके लिए आपको वॉलनट वुड स्टिन का प्रयोग करना पड़ेगा तो ये है हमारा सीलर ये मैलामाइन सीलर है क्योंकि हम इस पर मैलामाइन पॉलिश करने वाले हैं पहले हम इस पर सीलर मारेंगे उसके बाद में कलर सेट करेंगे और रिपेयर भी करेंगे इसकी ये गोल्ड क्लियर सीलर है ये 900 सौ बेस होता है और सौ ml इसमें हार्डनर होता है और जो थिनर होता है मैला थिनर उस वह आपको अलग से लेना होता है इसकी सबसे छोटी पैकिंग एक लीटर की ही होती है तीन सौ के आसपास यह मिल जाता है आपको मार्केट में अभी हम इस पर सीलर अप्लाई करेंगे एक कोड मारना है और ज़्यादा इसकी भराई भी नहीं करनी है अभी क्योंकि हमें इसका कलर भी कस्टेट करना है तो हल्का हल्का ही मारना है बाकी भराई हम दूसरे कोड में करेंगे अगर आपको प्यू करना है तो प्यू कर सकते हैं पी करने के लिए आपको यह सीलर बदलना पड़ेगा इसकी जगह पे आपको पी सीलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा बाकी सारा प्रोसेस सेम तो देखिए फ्रेंड्स सीलर हमने मार दिया है अभी इसको सूखने देते हैं दो चार घंटे सूखने के बाद में इसकी हमें अभी पहले रिपेयर करनी है रिपेयर करने के लिए जो नेचुरल है उसमें हम टीक कलर के वुड फिलर का इस्तेमाल करेंगे और जो ब्राउन है उसमें हम वॉलट वुड फिलर का प्रयोग करेंगे बाकी आप चाहें तो सेना पाउडर को मिक्स करके जिस तरह के हमारी पॉलिश का कलर है उस तरह बना के आप भर सकते हैं ये देखिए वुड फिलर है इटैलियन इटैली का ये टीक कलर का वुड फिलर है इसी तरह की पैकिंग होती है वॉलट जो कि ब्राउन पॉलिश के ऊपर रिपेयर होती है ये देखिए इस तरह का कलर है इसका वुड फिलर का रिपेयर करने के बाद में इसकी हमें सेंटिंग करनी है सेंडिंग करने के लिए इसमें हम 220 नंबर का रेख माल या फिर 320 नंबर का माल इस्तेमाल करेंगे और चिता दबा के इसकी सेंडिंग करनी है हमें इस तरीके से और उसके बाद में इस पर हमें कलर भी सेट करना है ब्राउन वाले पे थोड़ा सा कलर डार्क करना है तो उसके लिए हम लाख दाना पॉलिस में थोड़ा सा सेना मिक्स करेंगे और इसके ऊपर हाथ से अप्लाई करेंगे देखिए मैंने एक दो हाथ इसके ऊपर मार दिए हैं वीडियो थोड़ी सी कट गई है लागदाना पोलिस में हमने ब्राउन सेना मिक्स करके थोड़ा सा इस पर कलर और दिया है ये देखिए इस तरीके से और कलर आपको हल्का हल्का ही देना है कि ताकि रेसेना दबे और उसके बाद में इसके ऊपर एक कोड सीलर और अप्लाई करना है नेचुरल पे आपको कुछ भी नहीं करना है बस डायरेक्ट सीलर मार देना है और अभी इसकी हमें पूरी भराई करनी है दो तीन हाथ, दो तीन हाथ एक बार में ही मार देंगे जिससे कि इसकी पूरी भराई हो जाएगी ये देखिए फ्रेंड्स अभी हमने इस पर डबल कोट सीलर कर लिया है अभी इसको सूखने देते हैं चार पाँच घंटे सूखने के बाद में फिर से हमें इसकी सैंडिंग करनी है अब की सेंडिंग करने के लिए हम तीन सौ बीस नंबर का रेक माल लगाएँगे इसको आप चाहें तो पानी से लगा सकते हैं या फिर चाहे चाहें तो आप सूखा भी लगा सकते हैं और उसके बाद में हमें टॉप कोट मानना है टॉप कोट में हम मैलाम ग्लोसी का प्रयोग करने वाले हैं जो हमने पहले आपको सीलर दिखाया था वो सेम वही होता है वैसे ही बनता है पैकिंग भी सेम ही होती है मैलामाइन की सीलर मैट और ग्लोसी दोनों की पैकिंग सेम ही होती है बस उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि यह ग्लोसी है और यह मैट है अगर आपको मैट फिनिश चाहिए तो मैट कर सकते हैं अगर आपको ग्लोसी चाहिए तो ग्लोसी कर सकते हैं मैं इसके ऊपर ग्लोसी कर रहा हूँ और दो तीन हाथ इसके ऊपर मार देंगे इकट्ठे ही ताकि हमें डबल कोट लगाने की जरूरत ना पड़े बाकी अगर आपको ज़्यादा बढ़िया फिनिशिंग चाहिए तो आप डबल कोट भी अप्लाई कर सकते हैं सूखने के बाद में सेंडिंग करके इसकी इस पर आप डबल कोट भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है देखिए हमने एक कोट में इसको पूरा फिनिश कर लिया है और देख सकते हैं आप इस तरह की फिनिशिंग हो गई है अभी ये गीला है सूखने के बाद में भी इसकी इसी तरह से शाइनिंग रहेगी ये देखिए इस तरीके की शाइनिंग हो गई है और इस पर आप चाहें तो कंपाउंड भी कर सकते हैं सूखने के बाद में इस पर कंपाउंड भी किया जा सकता है ये देखिए ये ब्राउन है अभी ये गीला है सूखने के बाद में इसकी फिनिशिंग और भी बढ़िया हो जाएगी बस आपको थोड़ा सा इसको बचा के रखना है डस्ट वगैरह से डस्ट अगर चिपक गई तो दाने दाने से हो जाएंगे इसमें इसलिए डस्ट से इसको बचा के रखना है थोड़ी देर आधा एक घंटा तो अभी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है उम्मीद है आपको जानकारी पूरी मिल गई होगी अगर आपको कोई सवाल सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग